अपने भारत देश के इस गांव में खड़े होकर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से बात कर सकते हैं। बड़े आसानी से आप ये भी देख सकते हैं कि बॉर्डर के उस पार लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं। तो मैं अभी ऐसे गांव में आया हूं जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये गांव दो हिस्सों में बट गया। इस गांव में मुझे इंडिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आने जाने का एक ब्रिज भी दिखा। वैसे इस गांव में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं तो अपने श्रीनगर के हॉस्टल से कहीं और के लिए निकला था। तो फिर मैं इस गांव में कैसे आ पहुंचा, ये मैं आपको शुरू से बताता हूं। तो एक रात जब मुझे अपने हॉस्टल में एक ऐसे जगह के बारे में पता चलता है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और तो और बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए मैं बॉर्डर के उस पार के लोगों से बात कर सकता हूं, तो अगले दिन मैं अपने हॉस्टल से निकल पड़ता हूं इस तरह के इंटरेस्टिंग गांव को देखने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। तो यार अभी निकल रहा हूं मैं किरण वैली, किरण विलेज के लिए। तो यार हॉस्टल वालों ने बताया कि वो बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे अब अपना पर्सनल गाड़ी लेकर जाइए। अब मैं हूँ सोलो ट्रैवलर और किसी को जाना है नहीं किरण, तो मैं कैसे एक पूरा कैब बुक करके जाऊँ। बाइक में भी जा सकता था बट थकावट ज्यादा हो जाएगी यार, 150 किलोमीटर है और रास्ता भी बोले तो सही नहीं है, तो अकेले चलाना इस ठंड में थोड़ा सही नहीं लगा मेरे को। तो फिर भी मैं निकल चुका हूँ, देखता हूँ क्या होता है, पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है 8:38 हो रहा है और ये देखो मॉर्निंग का व्यू श्रीनगर का, काफी प्यारा है ना। अभी यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। देखो मेरा ये मानना होता है कि अगर बॉर्डर एरिया तो क्या हुआ, लोग तो वहाँ पे रहते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सबके पास गाड़ी होता ही है पर्सनल, तो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी तो चलती भी होगी, तो यही सोचकर मैं निकल पड़ा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ये भाई लाल चौक, यहाँ पे आया, बोलते यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है बट मालू जाना पड़ेगा, उससे पहले जहांगीर चौक जाओ फिर वहां से गाड़ी मिलेगी बट मालू के लिए। बटमालू से जाना है मतलब बटमालू से गाड़ी मिलेगी, मैं भी मेरा डेस्टिनेशन कुपवारा के लिए। हाँ यार यहाँ पे मैंने ऑटो वाले से पूछा कि कुपवारा के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, तो वो कहता है कि भाई तुम्हें तो घंटा घर ही जा मतलब लाल चौक से ही मिल जाता। तो जी फाइनली मुझे गाड़ी मिल चुकी है कुपवारा के लिए, ये वाली गाड़ी जाएगी कुपवारा। ये बोलते रहे कि आगे मिल जाएगी वहाँ से किरण के लिए, लेट्स सी क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। ये क्या अंकल, कश्मीरी चाय? तो भाई ये कश्मीरी रोटी है भाई, ये सर बहुत टेस्टी है। यहाँ से वापस चेंज कर रही है गाड़ी, तो मैं बताऊंगा ना आपको हम कैसे जाएंगे। अच्छा अच्छा आप नहीं जा रहे हो, अगर स्पेशल ले लोगी तो फिर मैं आऊंगा। नहीं यार गाड़ी वाले भाई जी मुझे ये बोलकर बैठाए थे कि वो कुपवारा जाएंगे, लेकिन कुछ दूर के बाद कहते हैं कि मैं कुपवारा नहीं जाऊंगा, मैं कुपवारा से पहले ही रुक जाऊंगा। इस पॉइंट पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो हमें लगा था कि भैया जी जा रहे हैं वो कुपवारा तक, फटो कुपवारा नहीं जा रहे। ये जगह कौन सी है? ये सोपोर है, सोपोर है, सोपोर, सोपोर का अड्डा है। कश्मीर में कहीं भी जाओ एक कप चाय के लिए लोग जरूर पहुंचते हैं। यहाँ से एक लोकल बस लेकर मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ कुपवारा। मैं भी पहुंचा हूँ इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कुपवारा, मतलब ये हमारे नॉर्थ इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया कुपवारा। कुपवारा यहाँ मुझे पता चलता है कि किरण विलेज जाने के लिए अभी कोई भी गाड़ी नहीं है और बॉर्डर एरिया होने के कारण वहाँ जाने के लिए मुझे लिफ्ट भी नहीं मिल पा रही थी। तभी एंट्री होता है भाई जी का। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम जवाद। जवाद, तो यार यहाँ से मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ से किरण की जो लास्ट गाड़ी थी वो चली गई। मिले मेरे को ट्रैवलर यहीं पे कश्मीर का है, तो उनसे भी बातें हो रही थी तो मैं उनके साथ ही निकल रहा हूँ टिटवाल तक का। टिटवाल भी बहुत अच्छा जगह, मैंने पहले भी सुना था इसके बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ पहले टिटवाल हो लेता हूँ फिर टिटवाल से वापस आ जाऊंगा केरन। टिटवाल और केरन दोनों गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सबसे पास है, लेकिन केरन गांव श्रीनगर से थोड़ा नजदीक है इसलिए ज्यादातर लोग केरन जाते हैं। वैसे इस दोनों गांव में जाने के लिए सबसे पहले आपको परमिट बनवाना पड़ता है जो कि रास्ते में एक जगह आता है करालपुरा, वहां से बनता है। मुझे इतनी बार चेक पोस्ट पर रोका गया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने भारत देश में ट्रैवल कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन रास्ते में जितने भी लोग मुझे मिल रहे थे सारे बहुत फ्रेंडली थे। तो जी टिटवाल जाने के रास्ते में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्लेस नजर आया मेरे को, मतलब काफी टाइम से नजर आ रहा है, अभी यहाँ पे हम रुक के सोचा आपको दिखा दूं। इस जगह को बोलते हैं साधना टॉप, मतलब यहाँ से साधना टॉप 1/2 किलोमीटर दूर है बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मतलब क्योंकि आर्मी एरिया हुआ ना। आर्मी एरिया। तो यार अभी पहुंचे हम आई लव करना भाई, यहाँ पे जो आर्मी वाले हैं और काफी मतलब काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल है मतलब लाइक फ्रेंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे। नाम क्या सर जी आपका? क्रिश्चन। और आपका सर जी? जगदीश। नाइस टू मीट यू सर जी, जय हिंद। जरूर देखना ब्लॉग उनकी चेहरा तो नहीं ला सकता मैं बट उनकी नाम है आ रही है, ठीक है। सच में हमारा लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल है, अगले मोमेंट में हमारे साथ क्या होगा ये हमें बिल्कुल नहीं पता। जैसे देखो आज मैं निकला था कहीं और के लिए
लेकिन पहुंच रहा हूं कहीं और। खैर फाइनली पहुंचता हूं टीटवाल। वेलकम टू टीटवाल। थैंक यू सो मच। यहां पहुंचते ही जवाद भाई बताते हैं कि ये जो पहाड़ों पे आपको लाइटनिंग नजर आ रही है ये सारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो यार रात को 7:30 बज चुके हैं, फाइनली हम पहुंच गए हैं जावेद भाई के घर पे टीटवाल। भैया हेलो। वो लिखा नाम क्या है आपका? बोल छामू। यार काफी फ्रेंडली है ये, जैसी आया मेरे साथ हैंड शेक कर रहा है तब से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टीटवाल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अभी भाई सुबह के 9:20 हो रहे हैं, काफी प्यारा नींद आया, मतलब 8 घंटे का मैंने नींद लिया यार, उससे भी ज्यादा। आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो बहुत खतरनाक होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा ही प्यारा। कल रात को इतना अच्छा इन्होंने मेरा मतलब स्वागत किया, मैं क्या ही बताऊं। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। आज की जो वीडियो है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, मतलब वो माइंड ब्लोइंग है। कोई इंडिया में बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगा जो मैं आज दिखाने वाला हूं, उन्होंने पहले देखा नहीं होगा। तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा प्यारा होने वाला है। तो फाइनली जवाद भाई भी उठ गए, अब हम लोग जाएंगे पूरे इस विलेज का सैर करने। फिलहाल अभी चलते हैं चाय पीने, कश्मीरी चाय पियेंगे हम कैमरामैन जवाद भाई के साथ। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। भाई हमने सोचा नहीं था कि बारिश होगी, बट मेरा स्वागत, बारिश हो रही है। इस मंथ में बारिश होती है क्या? हाँ बारिश तो कभी भी हो सकती है यहाँ पर, यहाँ पर कभी भी हो सकती है। गुड मॉर्निंग। नहीं दूंगा ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा। ये हमारे यहाँ हाथ से बनाते हैं। ये हाथ से बनता है? हाँ। अब आप पी लो कश्मीरी चाय, नून चाय। ये मैं सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा है। हाँ। पेट भर गया हमारा पूरा। अब जाएंगे आप एक शारदा टेम्पल है वो पहले विजिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा गाँव दिखाऊंगा। रास्ता तो और भी है बट हम शॉर्टकट लेकर जा रहे हैं। जंप लगानी या इतना तो कर ही सकते हैं। ये जी टिटवाल में एक टेंपल जो कि है सादा टेंपल। भाई ये जितना आपको एरिया नजर आ रहा है ये सारा पीओके है ना? ये आ गया टिटवाल। हाँ। और मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं वो हाँ। पाकिस्तान यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब कश्मीर आधा उनके पास है तो वो पाकिस्तानी हो गया समझो हमारे हिसाब से। सो वहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान का है। तो ये पूरे टिटवाल में कितना बस्ती होगा, मतलब कितने लोग रहते होंगे? मेरे हिसाब से 1200। तो यहाँ पे सब कुछ है, स्कूल हॉस्पिटल, स्कूल है हॉस्पिटल है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे एक ब्रिज है। अच्छा। इंडिया टू पाकिस्तान क्रॉसिंग ब्रिज। लोग पाकिस्तान से यहाँ आते थे, यहाँ के लोग पाकिस्तान जाते थे, बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं उनके रिलेटिव्स उस पार रहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग्स हुआ करती, फिर हालात का थोड़ा इधर उधर रहा तो उस वजह से बंद कर दी। तो ये इंडियन फ्लैग, उसके उस पार अपोजिट में देखो पाकिस्तान का फ्लैग, और जिसे आज़ाद कश्मीर का भी फ्लैग कहते हैं वो भी है, दोनों फ्लैग। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं भाई एक यहाँ पे ब्रिज है जो आज से कुछ सालों पहले लोकलों का ट्रेड हुआ करता था, उसी ब्रिज को देखने। तो हम आपको दिखाते हैं, आइए। तो ये रहा जी गेट। तो यार हमारे लिए गेट भी खुल रहा है, अब हम थोड़ा आगे जाकर ब्लॉग बनाएंगे और आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बहुत कम लोगों के लिए गेट खुलता है, हम हैं उनमें से एक जिनके लिए गेट खुल रहा है, हम लकी हैं आज। तो भाई क्या बोलूं भाई, एक बात बोलूं, मैं आज फर्स्ट टाइम यहां पे आया हूं। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हां फर्स्ट टाइम आया भाई। इन्होंने अपने जीवन का कितना साल गुजारा है? मैंने 18-19 साल तो यहीं बिताए, 18 साल। लेकिन पहली बार ये यहां तक आ रहे? पहली बार मैं यहां पे आया हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम लाइफ में, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट मान लो। देख लो भाई कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये जो नदी आप दिख रहा है ये बस नदी ही आपका बॉर्डर हो जाएगा, LOC बोलेंगे उसको। ठीक है, बाकी देखो ऐसे आराम से, मतलब यहाँ से कितना 100 मीटर होगा, 100 मीटर चल कर जा सकते हैं, हम इंटर कर जाएंगे POK में। ऐसा बॉर्डर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ कश्मीर में ही नज़र आएगा जो कि ये टिटवाल का है। और टिटवाल के अलावा ऐसा बॉर्डर, मतलब इस तरह का ब्रिज और कहीं नहीं है कश्मीर में। और भी जगह हैं जहाँ पर कुछ इस तरह का है, मतलब बॉर्डर जिसे किशन गंगा ही डिवाइड करती है। ये देखो भाई यही आपका किशन रिवर, यही डिवाइड करता है POK और हमारे भारत देश को। ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ना, ये नदी जो है ये बॉर्डर है, बॉर्डर है। अभी पानी देख लो कितना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। हाँ बहुत क्लियर है,
बिल्कुल साफ पानी, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से दिख रहे हैं। सो ये जो जगह है ना, उस पार तो चिलेहाना कहते हैं, उस पार वाले जो गांव है ये पाकिस्तान का है, जो कि हम लोग पीओके कहते हैं और वो लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। वो ही जानते होंगे क्यों कहते हैं, बट हमें पीओके कहना है और हम कहते भी हैं बिकॉज हम इंडियंस हैं। हमारा यहाँ पे फ्लैग है पीछे, कहाँ गया? अच्छा इस साइड पे है। हाँ, यहाँ पे पेड़ है, दिखेगा नहीं। और ये जो जगह है ना भाई, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, कभी वहाँ साइड से कभी वहाँ से, मतलब दूर दूर से देखता आ रहा था कि कब मौका मिलेगा मैं यहाँ पे जाऊँगा। इससे पहले कुछ दिनों ये खोला भी था, थोड़ा आगे तक जाते थे लोग घूमने वूमने के लिए, बट मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ नहीं करता ज़्यादा, तो मैं श्रीनगर में रहता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं आ नहीं पाया। बट आज जो मेरा सपना था, जो मेरी ड्रीम थी, वो पूरी होगी, और साथ में राम भाई की भी। ये मेरे कारण या उनके कारण मेरी, ये ऊपर वाला ही जाने। बाकी सीरियसली यहाँ पे आके कुछ अलग सा फील आता है कि बॉर्डर देखना और उस पार देखना, काश वो भी हमारा ही एरिया होता या कुछ ऐसा होता वैसा होता, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट हाँ, एक सीन ऐसा है कि यहाँ से जो पहले लोग जाते थे, सामान लेते थे अपने साथ, आते जाते थे, वहाँ के लोग इधर जो मेन लोग हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स उस पार भी हैं और उनके रिलेटिव्स इस पार भी हैं। हाँ लोग, हाँ लोग जाते थे यहाँ से एक डेढ़ डेढ़ महीना का वीज़ा बनवा के, तो वहाँ रहते थे। मेरे खुद के काफ़ी रिलेटिव्स गए हैं वीज़ा बनवा के, तो वो वहाँ से आधे यहाँ आते थे, कुछ इंडियन चीज़ें उनको अच्छी लगती थी वो लेते थे, फिर यहाँ से लोग वहाँ जाते थे, वहाँ की जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी वो लाते थे, और घूमने जाते थे कोई कोई क्या, मतलब जो मैक्सिमम लोग जाते थे वो अपने रिलेटिव से मिलने जाते थे। जब बंटवारा हो गया, आपको तो पता ही, आधे लोग इधर आधे उधर, उस वजह से। अब मेरी तो ये सोच थी कि कश्मीर एक ही होता तो बेहतर रहता, इधर होता तो बेहतर रहता मेरे हिसाब से। ये देखो भाई, परी पीओके का रोड और वहाँ पे अभी गाड़ी जा रही है। तो यार आज से एक साल पहले इस गांव में नेटवर्क नहीं थी, एक साल मतलब अभी जल्दी में ही नेटवर्क आया ना, लगभग छह महीने हो गए, मतलब छह महीने हो गए अभी नेटवर्क आया, इससे पहले कोई नेटवर्क नहीं था। तो बातचीत कैसे, वॉकी टॉकी? नहीं नहीं, लैंडलाइन सिस्टम था यहाँ पर। अच्छा, और नेटवर्क चलते थे यहाँ से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर दो। अच्छा, वहाँ पे लोग जाते थे थोड़ा इंटरनेट यूज करने के लिए, कॉल्स वगैरह घर पे बात करने के लिए, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो जो भी काम रहता है नेटवर्क के सिलसिले में वो वहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं थी, नेटवर्क अभी आई है, ये देख सकते हो ना। अब ये जो घर दिख रहे हैं ये पाकिस्तान के। ओ भाई, यहाँ पे तो लोग हाय हेलो भी करते रहते होंगे। यहाँ पे तो करते हैं, यहाँ से पत्थर मारते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, बहुत बचपन में हमने बहुत ऐसा किया कि यहाँ से पत्थर उठा के फेंक के वहाँ चले जाते हैं, फिर उधर वाले भी फेंक रहे होंगे, वाले भी फेंकते रहते हैं, मतलब मस्ती मस्ती में। हाँ, मस्ती मस्ती में, बट काफी फ्रेंडली माहौल है एज कम्पेयर टू अदर बॉर्डर। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है भाई, कहीं पे भी नहीं ऐसा बॉर्डर और ऐसा खूबसूरत गाँव इंडिया में मुझे नहीं लगता कहीं पर है बॉर्डर के सिलसिले में। तो हम बॉर्डर के और करीब आ चुके हैं। जितना घर आपको नजर आ रहा है ना पीछे, ये सारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लोकल के साथ आने का मजा ही कुछ और है। देखो भाई, खुद के उधर चला गया, एज अ टूरिस्ट आते तो कभी नहीं जाते उधर, अब मैं भी जाऊंगा उधर थोड़ा। अब हम पीओके के और नजदीक हो जाएंगे। एज अ टूरिस्ट किसी को पता है कि क्या कैसे खुद के जाना उधर, कुछ अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ से, जो हमारा पीओके है और काफी नजदीक नजर आएगा, किसी को नहीं पता होता, ये सारे लोकल को ही पता होता है। भाई अब हम इतने नजदीक आ चुके हैं पीओके के, यहाँ से कोई भी इंसान जा सकता है, लेकिन रिवर का बहाव इतना तेज है ना कि मतलब आर पार करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे अलावा जो भी फ्रेम में नजर आ रहा है भाई, ये रिवर के पार का वो सारा आपका हो गया पीओके। इस तरह का बॉर्डर आपको लिटरली और कहीं नहीं मिलेगा इस जगह के अलावा, इतना ओपन भाई, इतना ओपन कि आप आराम से खड़े होकर पाकिस्तान को हाय हेलो बोल रहे, हेलो जी कैसे हो। एक टाइम ऐसा आता है कि लोग नीचे भी आते हैं पाकिस्तान वाले लोग पानी ले जाने के लिए, बट अभी तो हाँ। नहीं है, बट होगा कि मतलब कभी भी आएंगे। बाकी वो मस्जिद नजर आ रहा, फिर वहाँ पे लिखा हुआ देखो, वी लव पाकिस्तान है। और भाई जी कैसे हो, सब खैरियत? बढ़िया। अपना नाम बताओ। जाकेत। आपका? सौकीब। आपका? शहजाद। आपका? पैसन। सारे लोग ब्लॉग में आ गए, सारे लोग देखना, ठीक है। तो यार यहाँ पे इन बच्चों से बात मैं कर रहा था, इनको लैंग्वेज की पूछ रहा था, मतलब लैंग्वेज क्या क्या पढ़ाई होता है, तो बता रहे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, सर बाल दे दो, और पहाड़ी लैंग्वेज होता है, चार लैंग्वेज। भाई कितना ज्यादा बेनिफिट है यार इन लोग का, चार लैंग्वेज सीखते हैं। सबकी सबकी बुक्स है? यस सर। सर बाल दे दो।
इसको मैंने चैनल का नाम बताया था, ये गलत है, स्पेलिंग गलत है, ई होगा, सिंगल एल होगा, सर सिंगल ई होगा ना, इन सबको बाहर ट्रेजर लिख लिख के ट्रेवलर राम का पैम्फलेट बंटवा सर देखेंगे तो तुम्हें आउट कर देंगे स्कूल से, ध्यान से बाय बाय हाँ बाय 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 बाय। यहाँ पर बच्चे काफी प्यारे भाई, सारे लोग आ गए घूमते घूमते। वन टू थ्री वेलकम टू कश्मीर। इसके बाद मैं खेलता हूँ क्रिकेट। ये कौन सी बॉल है? भाई ये लोग ये वाली बॉल से खेलते हैं भाई, मेरे लगी कस के यार, इस पे बहुत हार्ड है ये। दो बार मेरे को लग गया, फिर मैंने कहा कि मैं इस बॉल से नहीं खेलूंगा, मैं आपको बॉलिंग कराता हूँ, आप बैटिंग करो। सारे लोग वन बाई वन करके आ रहे हैं बैटिंग करने, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, थक गया यार। घूम घूम के हमारे पेट में चूहे कूदना स्टार्ट हो गया, तो हम जा रहे हैं इस चूहों को शांत करने, भात खाने भाई। तो जी अब शाम होने वाले, करीब 4 बजने वाले हैं, और अभी हम जा रहे हैं सीमारी। ऐसा समझ लो कि वो भी लास्ट, ये भी लास्ट विलेज है, वो भी मतलब वो भी लास्ट विलेज है, लेकिन यहाँ के बाद तो ज़मीन है हमारे अपने भारत देश का कि आप आगे जा सकते हो, लेकिन उसके बाद इंडिया का ज़मीन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ बॉर्डर है, और बॉर्डर पार करने के बाद सीधा पाकिस्तान में इंटर कर जाते हो। तो अभी हम उसी जगह को विजिट करने जा रहे हैं, सीमारी। तो फिर फाइनली हम इंटर कर चुके हैं सीमारी में। ये हमारे गेस्ट आए बिहार से, घूमने आए हैं। सो अभी अपने भाई राम को लेके मैं आ चुका हूँ इंडिया का जो लास्ट विलेज है, यानी कि कश्मीर का भी लास्ट विलेज समझ लो आप। एक तो साइड पे हो गया पीओके, यहाँ साइड पे सीमारी, ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं ये है सीमारी, ठीक है। तो वो जो गाँव आप देख रहे हैं ना वो भी सीमारी ही, यानी कि वन विलेज टू कंट्रीज ऐसा मान के चलो। सोच के ये अजीब लगता है ना भाई, क्या हो गया यार, एक गाँव लेकिन कंट्रीज अलग अलग होगी। हाँ भाई देखो, गांव सेम है, गांव का नाम भी सेम है, बस देश अलग अलग होगा, देश अलग अलग, वन विलेज डिफरेंट कंट्रीज। हाँ तो वो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है जी अपना कश्मीर इंडिया वाला। तो वहाँ से जो लोग आप देख रहे हैं, मतलब आपको सामने दिखेंगे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गाड़ियाँ, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं फेंस की हुई, ये वाइट वाइट कलर की फेंस की हुई, आप अच्छे से जूम करके दिखाओ। हाँ तो ये जो घर दिख रहे हैं ना, ये सारे घर पाकिस्तान के हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं नॉर्मल लाइफ, जैसे यहाँ इंडिया में रहते हैं वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। सो ये था कुछ हमारा आज का सीमारी का छोटा मोटा सा व्लॉग। हाँ फेंकी, ठीक है, फिर ऐसे करके तो फिर हम जीत गए, लाइक गिरी गोला ऐसे। अरे तो बहुत आसान है, देखो मैं करता हूँ, ये पकड़ो। ये रहा मोटी भाई। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो एक रखना था, चलो ठीक है। यार काफी प्यारी है यार, मैं खाना खा रहा था ना तो कभी और खाओ और खाओ, चावल इतना डाल देती है, फिर मैंने बोला कि मैं ना नॉनवेज नहीं खाता। क्यों नहीं खाते, खाना चाहिए, तभी तो मोटे हो गए, मतलब उनका कहने का सेंस कुछ ऐसा था, मैं समझ पा रहा था, तभी तो होगा। थैंक यू। एक्चुअली भाई शाम का जो टेम्परेचर है यहाँ पे काफी डाउन हो जाता है, सुबह में भी काफी डाउन था, डाउन बहुत डाउन भाई, ठंड तो मैं अपना शक्ल ऐसे बना लेता हूँ भाई, मेरे को ठंड से बचना है भाई बिल्कुल, क्योंकि अभी ट्रिप मेरा काफी लंबा है। शाम होते भाई देख लो यहाँ पे मौसम में कितना बदलाव आता है भाई, हवा तेज, ठंड तेज। मैं सोच रहा हूँ भाई
यहाँ से उड़कर मुर्गा वहाँ भी जाता होगा पीओके में, पीओके से उड़कर इधर भी आ जाता होगा। मेरे को देखो, मैंने कंबल पहन रखे हैं दो, और इस भाई को देखो भाई, क्या तेरे को ठंड नहीं लगती है भाई? यहाँ पे बहुत लोग हैं तुम्हें ऐसे ही दिखेंगे, उनको बोलते मेरा ठंडी नहीं लगता यार। ये क्या सीन है भाई, क्या खाते हो यार? ये आ गया अल्लाह अल्लाह, ये आ गया मीम, ये आ गया राम, अच्छा ये आ गया जीम, ये साथ में ये आ गया ये है ठीक है, ये आ गया हमारी भाषा में ते, राम जीम ये ते राम जीत, ये आपका नाम आ गया। अगली सुबह मैं वापस निकल पड़ता हूँ श्रीनगर के लिए। वैसे जवाद भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो जी, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, बाय बाय।